नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं पंकज सिंह गौर। आई इंडिया पर कोरोना मैनेजमेंट को लेकर आ रही इस वक्त की बड़ी खबर, योगी सरकार ने उठाया बड़ा कदम। अब किसी भी स्थान पर एक साथ 5 या इससे अधिक मरीज मिले तो संबंधित सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग कराई जाएगी। संक्रमितों के संपर्क में आने वालों का RT-PCR टेस्ट भी होगा और अचानक संक्रमितों की संख्या बढ़ी तो सैंपल को सुरक्षित रखा जाएगा। इस बाबत यूपी के सभी CMS को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको बता दें कि सीतापुर में प्रत्येक सप्ताह 1-2 कोरोना मरीजों के मिलने का सिलसिला जारी है। 7 अगस्त के बाद 12 अगस्त को फिर एक बार कोरोना का नया मरीज पाया गया है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक सीतापुर में अब तक 6,85,250 लोगों की कोरोना जांच हो चुकी है, जिनमें 12,393 कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। सरकारी आंकड़ों में फिलहाल हैरान करने वाला मौत का आंकड़ा 185 दर्ज है। तीसरी लहर को लेकर हर कोई शंकित है, लेकिन बाजारों और राजनीतिक दलों के कार्यक्रमों में जुटने वाली भारी भीड़, कोरोना प्रोटोकॉल की उड़ाई जाती धज्जियां कोरोना को लेकर बेफिक्री होना भी साबित कर रही हैं। फिलहाल कोरोना गाइडलाइन का पालन न होना कोरोना को दावत देने जैसा दिखाई दे रहा है। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया।